मुझे लग रहा है कि देखिए आज बाजार में जो सेलिंग आई है वो ज्यादातर कोविड के रिपोर्ट्स के कारण हुई है। मार्केट में थोड़ा सा एक डर पैदा हुआ है, हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट्स में थोड़ी सी वीकनेस जरूर रहेगी। आज एफआईआई का भी डेटा अगर हम देखें तो नेगेटिव था, हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी बहुत खरीदारी करी है। मिड कैप्स में आज काफी बड़ी ऑलराउंड सेलिंग थी, तो मैं समझता हूँ कि देखिए रिटेल निवेशकों को पूरी तरह से पैनिक होना नहीं चाहिए। जब तक 18,000 का लेवल मार्केट मेंटेन करता है तब तक मुझे लग रहा है ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा और पिसलता है 18,000 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि ये कमजोरी थोड़ी सी और लंबी हो। और डेफिनेटली भी आने वाले दिनों में कोविड के रिपोर्ट्स किस प्रकार से आते हैं, स्पेशली चाइना को लेके, जापान, कोरिया से लेके जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसके ऊपर मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा। कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा ऊपरी लेवल पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस तरीके से निवेशकों को मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे ख्याल से कोई पैनिक अभी मत करिए। मार्केट में इतना भी कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है कि जिससे आपको बहुत लंबी समय तक कोई सेलिंग आ सकती है, तो आई थिंक वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल बट एट द सेम टाइम अपना पैनिक और अपना कंपोजर जरूर मेंटेन करें। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, हालांकि देखिए ये एक अंडर परफॉर्मर है, आईपीओ के टाइम से ही निवेशकों ने यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा पैसा बनाया नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो इंश्योरेंस मार्केट में वापस पोस्ट कोविड अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, और मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बंपर क्वार्टर माना जाता है। तो इस बार जिस प्रकार की ग्रोथ एग्रेसिवली एग्रेसिव प्लान्स एलआईसी ने प्लान किए हैं, हमको लग रहा है कि ये क्वार्टर इनके लिए भी अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मैं समझता हूं कि नीचे में 650-675 एक बॉटम प्राइस है, और उसके बाद अगर शेयर में अच्छी तेजी आती है तो आपको 800-850 का भी लेवल मिल सकता है। तो एटलीस्ट नियर टर्म में ये रेंज में स्टॉक घूमेगा, तो जल्दबाजी ना करिए बेचने का, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा समय के लिए प्लान करके इसमें होल्ड करिए। देखिए मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में अगर इनका लंबा नजरिया है तो होल्ड करिए, क्योंकि अगले एक दो क्वार्टर्स तो चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस यूरोप से आता है और यूरोप में जिस प्रकार के हेडविंड्स है डेफिनेटली कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन अच्छी बात है कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में कंपनी अपनी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ करने वाली है। टाटा टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और थोड़ी बहुत वैल्यूएशन अगर इनको ठीक ठाक मिलता है तो अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग टाटा मोटर्स को मिलेगी, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का पेरेंट टाटा मोटर्स। तो मैं समझता हूं कि होल्ड करिए, कम से कम 6-12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार ग्लोबल हेडविंड्स थोड़े से सुधरते हैं तो यहां पे अच्छा बाउंस बैक भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लग रहा है पावर जनरेशन ये एक अच्छा थीम है जो 23 में भी चलेगा, लेकिन इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और कम से कम 12-15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि पावर जनरेशन में बहुत समय के बाद अडानी पावर प्रॉफिटेबल हो चुका है और इनकी कैपेसिटी भी काफी बड़ी है। आगे ये बांग्लादेश को भी पावर सप्लाई करने की बातें कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पावर जनरेटिंग की कंपनीज में फ्लेवर रहेगा, प्लस इनके फंडामेंटल्स आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए 12-15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, और थोड़ा अगर हो सके तो एवरेज भी करिए, क्योंकि ये शेयर बेसिकली ट्रेडिंग के लिए नहीं बट लंबी अवधि के लिए जरूर अच्छा पैसा बनाएगा। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए ज्वेलर कंपनीज में अगर आपको खरीदना ही है तो क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए। मैं समझता हूं कि अगर पैसा बनाना है तो टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है। पीसी ज्वेलर में मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, प्लस काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में अगर इनको मिले तो इनको एग्जिट करना चाहिए। अगर चाहिए तो ये कल्याण ज्वेलर्स में खरीद सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा वेल ब्रांडेड प्लेयर है जो अच्छी खासी नंबर्स भी दिखा रहे, तो पीसी ज्वेलर्स से निकल जाए यही मेरी राय रहेगी। देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक अभी स्टॉक प्राइस ने न्यूज को डिस्काउंट कर दिया है। नजरिया अगर ये साल डेढ़ साल का रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है, क्योंकि बहुत समय के बाद एसेट क्वालिटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, प्लस लोन बुक ग्रोथ अच्छा चल रहा है, बट डेफिनेटली अभी भी एसेट क्वालिटी का नंबर काफी एलिवेटेड है। तो 22 रुपए में उन्होंने लिया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 12-15 मंथ का टाइम फ्रेम है तो करीबन 28-30 रुपए का प्राइस मिल सकता है, बट यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, थोड़ा सा इंतजार करें। देखिए मुझे लग रहा है कि आईओबी बहुत समय के बाद बाउंस बैक हो चुका है, और अंदाजा है कि इस बैंक में रिस्ट्रक्चरिंग अभी भी आने वाले दिनों में आएगी, प्लस हो सकता है कि ये एक कैंडिडेट हो डाइवेस्टमेंट के लिए। बैंक के अभी भी एसेट क्वालिटी के नंबर्स तो एलिवेटेड है, लेकिन अगर इसमें बिकवाली का अगर न्यूज फ्लो आता है तो इसमें और आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, आने वाले बजट में हो सकता है कि इसका नाम आए, तो मेरे ख्याल से इवेंट बेस्ड कॉल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी।
देखिए मुझे लग रहा है कि IRFC एक ऐसी कंपनी है जहां पे इंडियन रेलवे इनका सबसे बड़ा और ओनली कस्टमर है, और रेलवे बजट इस बार जो आएगा मुझे लग रहा है कि काफी मजबूत आने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट 30-40% जो रेलवे के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो IRFC फंड करता है, और इनके लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन्होंने अगर IRFC खरीदा है तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि ये शेयर इतना फास्ट मूवर स्टॉक नहीं है और डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो निवेशित रहिए, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। मेरे पास दो कंपनीज है, एक कंपनी है जो बायोडीजल स्पेस में काम करती है, एथेनॉल प्लांट बनाती है, कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी बहुत ही सिग्निफिकेंटली एक बड़ा प्लेयर है एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में, करीबन 650 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 3,500 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी रखती है, तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगले साल मुझे लग रहा है कि एथेनॉल की जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी, प्लस इनकी ऑर्डर बुक डीजल, उसके बाद कॉम्प्रेस बायोगैस, स्पेशलिटी एविएशन फ्यूल, इसके ऊपर भी ये लोग R&D कर रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है, यहां पे टारगेट प्राइस रहेगा 450। और दूसरी एक FMCG कंपनी है जो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हो गई है, इसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। ये बेसिकली हेयर ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है, और कंपनी की खासियत है कि बहुत अच्छे डिविडेंड देती है। हाल ही में कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया है करीबन 240 रुपए में, जो ओपन मार्केट बायबैक है करीबन 80 करोड़ के लिए। कंपनी बहुत ही कैश रिच है, करीबन 600 करोड़ की कैश है, और हमको लग रहा है कि कंपनी का ये बायबैक होने के बाद शेयर होल्डर्स को जरूर फायदा होना चाहिए, ऑपरेशनल नंबर्स भी काफी अच्छे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खरीदे, कम से कम 220-225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल।